पंचकुला स्थित माता मनसा देवी गोदाम बुधवार की सुबह को एक बड़ी निराश कर देने वाली खबर सामने आई है। गोदाम में रहने वाली लगभग 70 गायों की मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है इन गायों की मौत इनके भोजन में जहरीला पदार्थ पाए जाने की वजह से हुई है। इसकी सूचना पाकर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पहुंचकर अधिकारियों से बातचीत की और उन्होंने तुरंत जांच कमेटी का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। चक्कर लगा रहा था, लड़के बोल रहे आपस में लड़ रहे हैं, तो मैंने आके देखा तो 4-5 गिरे हुए थे। तो उसी टाइम मैंने अपने DLD को फोन किया, मैं बोला यार एक सांड मार रहा है शायद, उसको बांध देते हैं किसी साइड में करके, उस वजह से होगा। तो जैसे उधर 2-3 और फिर गिरना शुरू हो गया, उनके मुंह से झाग गिरना शुरू हो गया, उसने उसी टाइम बताया कि झाग गिरना शुरू हो गया। तो साहब ने उसी टाइम डॉक्टर ने DLD ने अपने जो डॉक्टर साहब थे उनको फोन किया, वो भी 10:30 आ गया। पर बाकी मैंने भी मैनेजमेंट को फोन किया, उसी टाइम हमने सोडा वगैरह मंगाया और हमारे पास बहुत सोडा पड़ा भी हुआ था, उसी टाइम बोल के अपना ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। एक बहुत दुखदायी घटना आज माता मनसा देवी की गौशाला के अंदर हुई है, हम सबको इसका बड़ा भारी दुख है और जो भी इसका कारण रहा हो उसके लिए हम पूरी इसकी इंक्वायरी कराएंगे कि कहां पर कहीं कोई कमी रही है, कोई ड्रॉबैक रहा है, और इससे लेसन लेते हुए जो बाकी आगे कभी दोबारा ना हो इसके ऊपर हम प्रयास करेंगे कि क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं बाकी सभी गौशाला के अंदर, जो भी कोई प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता है उसके ऊपर सख्ती से अमल हो। इस प्रकार का सभी गौशालाओं को जो है मैसेज एक प्रशासन की तरफ से भी जाएगा और जो गौशाला चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, समाज सेवी संस्थाएं हैं, देखिए किसी भी समाज सेवी संस्था का ये मकसद नहीं है कि हम किसी गऊ की हत्या हो या गऊ कोई किसी एक गाय की भी डेथ हो, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है, इसकी पूरी जांच भी होगी। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।